हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको M6 5G फ़ोन है, तो पोको M6 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में डाटा वार्निंग लिमिट है, तो डाटा वार्निंग की लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हैं पोको M6 5G फ़ोन में, और कैसे आप वार्निंग लिमिट को सेट कर सकते हैं पोको फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि वार्निंग लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हैं और लिमिट आप कैसे लगा सकते हैं फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि डाटा वार्निंग लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हैं और वार्निंग लिमिट लगा कैसे सकते हैं, तो आपको इस ऑप्शंस पे जाना है और इस पे जाते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इस पे टैप करते हैं तो टैप करते ही आपके पास ये ऑप्शंस आ रहा है। तो इस पे जाकर आप जो भी मोबाइल डाटा वार्निंग लिमिट को सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिंपली आपको जैसे इस पे टैप करना है, लिमिट सेट करना है 500 MB। तो MB पे जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आपकी ओके करते ही लिमिट है, डाटा वार्निंग की लिमिट आपके फ़ोन में सेट हो जाएगी और वार्निंग लिमिट को आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। और जो भी आप ऑफ़ कर देंगे तो लिमिट को सेट नहीं कर पाएंगे, ना आप ऑन करते हैं तो यहाँ से लिमिट को जो भी आप सेट करना चाहते हैं GB एंड MB में, तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी डाटा वार्निंग की लिमिट को आप सेट कर सकते हैं अपने पोको M6 5G फ़ोन में, और वार्निंग लिमिट भी अपने फ़ोन में लगा सकते। तो इस तरीके से डाटा वार्निंग की लिमिट को आप सेट कर सकते हैं अपने सैमसंग गलेक्सी फ़ोन में, और वार्निंग लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, वीडियोस को शेयर करें।